चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजित पदांबुजं वेदांताम्बुजमार्तंडं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परम् गुरो परतरं नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्रपराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तंत्रोटकम वार्त्रिककारम अन्यान अस्मद्गुरून संततम आनतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तृणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता है, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक, भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं, क्योंकि वेद अपने आप तो बोलता नहीं, वेद को पढ़ के सुनाने वाले उसका अर्थ बताने वाले तो गुरु ही होते हैं। तो सज्जनों, सामवेद छांदोग्य उपनिषद की छठे अध्याय की बात कल चलाई थी। उद्दालक ऋषि का पुत्र श्वेत केतु था,
काशी विद्या पढ़ने के लिए वो गया। 12 वर्ष तक उसने विद्या अध्ययन किया। जब सब विद्वान हो गया तो घर आया, परंतु उसको विद्या का अभिमान हो गया। उस अभिमान के कारण उसने अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। पिता ने सोचा विद्या पढ़ने का फल मेरे पुत्र को तो मिला ही नहीं, क्योंकि विद्या जिसको आ जाती है वो नम्र हो जाता है। विद्या ददाति विनयम् विनयात् याति पात्रताम्। पात्रतात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम्, ततः सुखम्। जैसे जब वृक्ष फल जाते हैं, वृक्षों में फल लग जाते हैं, तो वृक्ष की डालियां झुक जाती हैं और जब तक वृक्ष में फल नहीं लगते तो डालियां ऊपर चलती हैं। ऐसे ही जब तक विद्या नहीं आती है तब तक ये शरीर भी उदंड रहते हैं, इनमें नम्रता नहीं आती। और जो विद्या रूपी फल लग गए तो ये सभी मनुष्य झुक जाते, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते, अपने से बड़ों का आदर सत्कार करते, अपमान नहीं करते और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर देते। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो माता पिता और अपने गुरुओं को और अपने से बड़ों का आदर सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो 4 चीज़ें मिलती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम्। क्योंकि माता पिता गुरुजनों का, अपने से बड़े जनों का आशीर्वाद हृदय से आत्मा से यही निकलता है। हे पुत्र आयुष्मान, बहुत तुम्हारी उम्र बढ़े, चिरंजीवी हो, विद्या और विद्वान हो, यशो संसार में तुम्हारी यश कीर्ति हो, और बलम बलवान हो, तन बल मनोबल विद्या का बल, धन का बल, शक्ति का बल, सब प्रकार का बल तुमको प्राप्त हो। तो सज्जनों, तो बड़ों को अभिवादन करने से, प्रणाम करने से सज्जनों ये 4 फल तो ऐसे ही मिल जाते हैं, केवल प्रणाम करने से, आयु विद्या और यश और बल। और बड़ों की भी व्याख्या की गई है, वर्ण वृद्धा वयो वृद्धा विद्या वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। वर्ण वृद्धा, एक वर्ण में वृद्ध होते हैं, जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इन 4 वर्णों में जो ब्राह्मण है वो वृद्ध माने बड़ा है। वो बड़ा भाई है और बाकी छोटे भाई हैं, वर्ण वृद्धा।
वयोवृद्धा जो उम्र में बड़े वो भी बड़े, उनका भी सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। वर्ण वृद्धा, वयोवृद्धा, विद्या वृद्धा, कोई विद्या में अपने से बड़े तो उनका सम्मान करना चाहिए। वर्ण वृद्धा, वयोवृद्धा, विद्या वृद्धा तथयोच ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकर आशिष्य किंकर। और एक ज्ञान में वृद्ध होते हैं जिनको भगवान का ज्ञान है, वो सबसे बड़े होते हैं, उनसे कोई बड़ा नहीं होता। ज्ञान वृद्ध जो होते हैं वो जगत के गुरु होते हैं। जगत को ज्ञान देते हैं। जिनो ज्ञान वृद्ध सबसे, और ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म संबंधी जो अज्ञान है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, ये अज्ञान चला जाता है। जो अज्ञान चला गया तो आत्मा परमात्मा का एकत्व ज्ञान होता है, तो उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एकत्व ज्ञान हुआ तो ये जन्म मरण का और दुखों का बंधन आत्मा में है ही नहीं, तो वो मुक्त हो जाता है सज्जन। इसीलिए जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा गुरु होता है वो। तो ये जो उद्दालक ऋषि थे ये ज्ञान वृद्ध थे, सबसे बड़े थे। और उनका पुत्र जो श्वेत केतु था वो सब विद्या पढ़े आया, परंतु ब्रह्म ज्ञान इसको नहीं है अभी, इसीलिए इसको विद्या का अहंकार हो गया कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ। और अपने पिता को प्रणाम तक नहीं किया विद्या के अभिमान में कि मेरे पिताजी भी मुझसे बड़े नहीं, विद्या में मैं ही सबसे बड़ा विद्वान। और ये अभिमान सब दुख देता है अभिमानी को। कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा पुत्र दुख पावे, कोई भी गुरु नहीं चाहता कि मेरा शिष्य दुख पावे। इसलिए अभिमान को तोड़ देते हैं पिता भी और गुरु भी। उद्दालक ऋषि ने भी सोचा मेरे पुत्र को अभिमान हुआ है, इससे मेरा पुत्र दुख पाएगा, इसके अभिमान को तोड़ देना चाहिए। इसलिए पिता ने प्रश्न किया श्वेत केतु से कि हे पुत्र, तुमने वह विद्या पढ़ी है? कहा कौन सी? कहा यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, जिस एक के ज्ञान से सब ज्ञान हो जाए, कुछ जानना ही बाकी न रह जाए। यस्मिन विज्ञाते, जिसके जान लेने से सर्वम इदम, ये सब जितना संसार है विज्ञातम बहुत जाना हुआ हो जाता है, सब संसार को वो जान लेता है, कुछ जानने से इस नहीं रह जाता उसको। अविज्ञातम विज्ञातम बहुत, जो कभी नहीं जाना है, अज्ञात है, वो भी जाना हुआ हो जाता है। अश्रुतम श्रुतम भवति,
जिसको कभी सुना ही नहीं कानों से, वो भी सुना हुआ हो जाता है, वो भी माने जाना हुआ हो जाता है। अदृष्टम दृष्टम भवति, जिसको कभी नहीं देखा वो भी बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा हुआ हो जाता है। अभिज्ञातम विज्ञातम भवति, अश्रुतम श्रुतम भवति, अदृष्टम दृष्टम भवति। तो वो विद्या तुमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? श्वेत के तो चुप रहा, क्योंकि ये विद्या उसने पढ़ी ही नहीं थी, तो उसका अभिमान टूट गया। पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताजी वो विद्या आप ही मुझको बतावें। तो उद्दालक ने देखा, अब मेरे पुत्र का अभिमान टूट गया है, अब इसको वो विद्या बताना चाहिए। तो पहले दृष्टांत देते उस विद्या के जानने का साधन दृष्टांत कहलाता है, युक्ति कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं, जिससे वो तत्व जाना जाए, जिसको जान के सब कुछ जान लिया जाता है, उसको समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। कहा, पुत्र सुनो, यथा सौम एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिके तेव सत्यम्। हे पुत्र, जैसे एक मृत्पिंड को जानने से संसार भर के माटी से बने हुए जितने घटमट हैं जान लिए जाते हैं, एक माटी का ज्ञान हो जाए तो माटी से बने हुए घट और मठ सब जान लिए जाते हैं, क्योंकि वो माटी से जुदा नहीं है। और जो नाम रूप है घट, ये नाम और घट का गोल रूप पानी भरने के काम में आने वाला, ये तो वाणी का विकार मात्र, परंतु मृत्केते सत्यम, सत्य माटी है, और ये मठ है, और मठ का ये रूप है घर का, और रहने के काम में आता है, ये भी वाणी का विकार मात्र है, माने कथन मात्र है। असली वस्तु तो घटमठ के माटी, घटमठ में माटी ही है ना, माटी निकाल लो तो घटमठ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा माटी निकालने से। कुम्हार ने, कारीगर ने माटी में ही ये आकार बना दिया है और नाम रख दिया है घटमठ। तत्व तो वस्तु तो सच्ची माटी है ना, माटी से घटमट उत्पन्न होते हैं, माटी में ही रहते हैं और माटी में लीन हो जाते हैं। तो आदि में माटी है, मध्य में माटी है, और अंत में भी माटी है, माटी से जुदा नहीं है। इसलिए सत्य क्या है? माटी। आदि में घट नहीं है, अपनी उत्पत्ति के पहले घटमट नहीं, और नष्ट होने के बाद में भी, अंत में भी नहीं रहते हैं। पर माटी तो तीनों काल में रहती है, आदि में माटी है और अंत में माटी है, और मध्य में भी तत्वज्ञानी लोग हर संसार के घट मठ में माटी का दर्शन करते हैं, सत्य का दर्शन, क्योंकि सत्य एक माटी है। तो घटमठ तो एक कथन मात्र है। इसी प्रकार से एकेन स्वर्ण पिंडेन
सर्वं स्वर्णमयं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं स्वर्णमित्येव सत्यम्। जैसे एक स्वर्ण को जान लेने से स्वर्ण से बने हुए जितने आभूषण हैं वो जान लिए जाते हैं, स्वर्ण सुवर्ण सोना, सोने से मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी आदि आभूषण बनते हैं, परंतु बनाता कौन है? सुनार बना देता है। सुनार सोना तो नहीं बनाता ना, तो सत्य वस्तु तो सोना है ना, सोना तो बना बनाया है। और सुनार की जो मानस कल्पना है, मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी आदि, वो उसके मन में है ना सुनार के, तो मन के इन आकारों को नाम रूपों को सोना लेकर उसी में बना देता है। तो सोना तो सत्य है क्योंकि सोना सुनार नहीं बनाता है। और जो आभूषण है वो सुनार की मानस कल्पना है, इसलिए आभूषण कल्पित है, सोना सत्य है। मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी सोने से उत्पन्न होते हैं, सोने में ही रहते हैं, सोने में लीन हो जाते हैं, अंत में सोना ही फिर रह जाता है। बीच में जो आभूषण है वो सुनार की मानस कल्पना है। ज्ञानी लोग आदि में सोना देखते हैं, अंत में सोना देखते हैं, और आभूषण जो मध्य में है उनके भी कण कण में सोना व्यापक देखते हैं। सोने का ही दर्शन तीनों काल में करते हैं क्योंकि सोना सत्य है, तो नाम रूप आभूषण कल्पित है। इसी प्रकार से जल से अनेक तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो जल तो सत्य है और तरंगें असत हैं, कल्पित हैं। जो आदि अंत मध्य तीनों काल में रहे वही सत्य वस्तु होती है। त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जो अबाधित है, जिसका बाध ना हो माने अभाव ना हो, वही वस्तु सत्य होती है। तो जल तीनों काल में रहता है और जल में उठने वाली तरंग फेन बुलबुले ये तो जल से उत्पन्न होते हैं, जल में ही रहते हैं, तरंगें जल में चलती फिरती हैं, अंत में जल में लीन हो जाती हैं। तो असत हो गई ना तरंगें फेन बुलबुले, जल तो सत्य रहा ना। तरंगों की उत्पत्ति के पहले जल है, तरंगों के लय हो जाने के बाद में भी जल है, और मध्य में भी जल है। हर तरंग के कण कण में जल समाया है ना, जल के बिना तो तरंगें नहीं रह सकती ना, इसलिए तीनों काल में जल है पर तरंगें तीनों काल में नहीं है। उत्पत्ति के पहले तरंगें नहीं है और लय हो जाने के बाद में भी तरंगें नहीं है, और मध्य में भी ज्ञानी लोग सभी तरंगों में जल का दर्शन करते हैं, सत्य का दर्शन करते हैं, मिथ्या का नहीं। तो जल में वो सत्यम, जल सत्य है और तरंगें मिथ्या। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, जल में वो सत्यम, ये तरंग ये नाम
और तरंग का रूप ये वाणी का विकार मात्र है। मन केवल वाणी में ही है, कहने वाले के वाणी में है, और रूप जो तरंगों का है वो आँखों में है। पर जहाँ पर ये तरंगें दिखाई पड़ रही हैं वहाँ जल है और आँखों में रूप है और वाणी में नाम है। तरंग ये नाम कहने वाले की वाणी में है ना, और जहाँ तरंगें दिखाई पड़ती हैं वहाँ तरंगे नहीं हैं, वहाँ जल है। क्योंकि जिसको आँखों से देख रहा है तरंग और वाणी से कह रहा है क्या तरंग, और आँखों से आकार देख रहा है वो चलती फिरती जल ही चल रहा है। जब उसको हाथ से पकड़ता है सज्जनों, तो क्या तरंग नाम की चीज उसके हाथ में आती है कोई? जिसको वाणी से तरंग बोल रहा है और आँखों से तरंग देख रहा है, जब उसी तरंग को हाथ से पकड़ता है सज्जनों, तो तरंग नाम की कोई चीज़ हाथ में नहीं आती। क्या आता है? जल हाथ में आता है। तो जो सत्य वस्तु है वो आएगी हाथ में, और झूठी चीज़ हाथ में कहाँ पकड़ में आएगी? इसलिए विद्वान लोग आदि में, अंत में और मध्य में जल का ही दर्शन करते हैं। ये नाम रूप तो आँखों का धोखा है, जो तरंग दिखाई पड़ रही है वाणी से कह रहा है, क्योंकि उस तरंग को पकड़ने पर कोई भी तरंग हाथ में नहीं आती। तो आदि में तरंग नहीं है उत्पत्ति के पहले, और अंत में तरंग नहीं है नष्ट हो जाने के बाद में, मध्य में तरंग दिखाई देती। तो ये सिद्धांत है, आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने पितर तथा। जो आदि अंत में नहीं होता है ना, वो वर्तमान में भी नहीं होता है, और जो आदि अंत में होता है वही मध्य में होता है। आदि में जल है, अंत में जल है, तो मध्य में भी जल ही है। उसको चाहे तरंग रूप में देखो, चाहे फेन बुलबुले के रूप में देखो, पर वो जल ही है। जो आदि में है, अंत में है, वही मध्य में हुआ करता है, और जो आदि अंत में नहीं होता है वो मध्य में भी नहीं होता है। तो आदि अंत में तरंगे नहीं हैं, जल है, इसलिए मध्य में भी तरंगे नहीं हैं, जल ही है। तरंग जो दिखाई पड़ती है वो आँखों का धोखा मात्र है, क्योंकि जब तरंग पकड़ता है तो जल हाथ में आता है, तो पता लगा नहीं, ये आँखों का केवल धोखा ही है, जल ही सत्य है। तो ये सज्जनों समझाने के लिए दृष्टांत है। इसी प्रकार से उद्दालक ऋषि कहते हैं, सदैव सोम इदमग्रमासीत एकमेवाद्वितीयम्। हे श्वेत केतु, हे प्रिय पुत्र, इस सृष्टि के आदि में एक सत्य ही था। जैसे तरंगों के आदि में सबसे पहले जल ही था, ऐसे ये तरंग रूप संसार है। ये देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, ये श्वासें, ये सारा संसार ये तरंग रूप है, लहरें हैं, फेन बुदबुदे हैं, देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, ये जितने नाम और रूप हैं ना, ये सब तरंगें हैं। किसकी? सच्चिदानंद सिंधु ब्रह्म की।
वही आदमी था ये सृष्टि के, और अंत में वही ब्रह्म रह जाएगा शेष, और बीच में ये नाम रूप स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र लहरें दिखाई पड़ते, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी, ये नाम ही रूप तो है ना, ये लहरें हैं लहरें, तो लहरें तो सत्य नहीं होती है, जल ही सत्य होता है ना। श्रुति भगवती कहती है आनंदाद्येव खलु मानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अविषम विशन्ति तद् ब्रह्मो तद् विजिज्ञासस्व। ये संसार सच्चिदानंद सिंधु ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। आनंदाद्येव खलु मानि भूतानि जायन्ते, निश्चय ही आनंद सिंधु से ये जगत रूपी संसार तरंग उत्पन्न भई। आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद से उत्पन्न होकर के सच्चिदानंद सिंधु से ये जी रहे, आनंद सिंधु में ही चलते फिरते हैं, और फिर अविषम विषंत आनंद सिंधु में लीन हो जाते, फिर सच्चिदानंद सिंधु रह जाता। जैसे जल से तरंगें उत्पन्न होती हैं और जल में ही रहती हैं और फिर जल में लीन हो जाते हैं, तो जल सत्य रह गया, जल की उत्पत्ति नहीं भाई, तरंगों की उत्पत्ति। ऐसे सच्चिदानंद सिंधु की उत्पत्ति नहीं भाई, सच्चिदानंद सिंधु से ये नाम रूप तरंगों की उत्पत्ति भाई। तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसी का लय होता है, और जिसकी उत्पत्ति ही नहीं उसका लय क्या होगा। इस प्रकार से हे श्वेत केतु, सृष्टि के आज में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म था, और ये नाम रूप तरंगें उसी से उत्पन्न भई हैं, उसी में रहती हैं, उसी में लय हो जाती हैं, इसलिए तरंगें भी जल रूप हो जाती हैं। पहले भी जल रूप थे, और विचार दृष्टि से देखो जो तरंग के रूप में है, तो हर तरंगों में जैसे जल ही दिखाई पड़ता है ज्ञानी को, तो ज्ञानी लोग ये सब नाम रूपों में अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं, क्योंकि सत्य वस्तु सदा रहती है। तो ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तत्त्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, वही सद ब्रह्म तुम्हारा स्वरूप है, जीव मात्र का वही सद ब्रह्म स्वरूप है। आदि में आत्मा था, अंत में आत्मा रहता है, मध्य में भी आत्मा रहता है, और ये जो देह हैं, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि प्राण हैं, ये तो उसी आत्मा सिंधु से तरंगों की भांति उत्पन्न भए हैं और उसी में रहते हैं, और ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण फिर उसी में आत्मा रूपी सिंधु में मिल जाएंगे। इसी को जगत कहते हैं, गच्छति इति जगत, जो चलता रहता है उसको जगत कहते हैं। सकल में वो चलम सचराचरम, जगदिदम सुतराम धन यौवनम, समवलोक विवेक दिशादृतम, भजत रे मनुजा परमेश्वरम। संसार चल है, सच्चिदानंद सिंधु से उत्पन्न हुआ है, उसी सच्चिदानंद सिंधु में चलता फिरता है, उसी में लीन हो जाता है, इसलिए ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या।
और जीवो ब्रह्मैव न परः, और जीव तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा नहीं। केवल ये हमारे तुम्हारे जो देह है शरीर, इसके भीतर इंद्रियां हैं, आँख कान नाक हाथ पाँव आदि, ये इंद्रियां हैं, और प्राण अपान व्यान समान उदान आदि ये प्राण हैं, और मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि ये अंतःकरण है। कहा यही तरंगों के समान है, यही उत्पन्न भय किससे, हमारे आत्म सिंधु से, अपना आनंद सिंधु आत्मा। तो आत्मा तो उत्पन्न हुआ नहीं, इसीलिए लय होंगी तो यही देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ही लय होंगे। किस में, जहाँ से उत्पन्न भय है सच्चिदन, अपने आत्म सिंधु से, उसी में फिर लय हो जाएंगे। तो आदि में आत्मा है, ब्रह्म है, अंत में आत्मा है, मध्य में भी आत्मा है, और ये तरंगे कहा ये आत्म सिंधु आनंद सिंधु से भिन्न नहीं। विचार दृष्टि से देखो तो मध्य में भी आत्मा ही, इसलिए उत्पत्ति स्थिति यदि प्रलय होती है तो ये नाम और रूप, ये दो चीज़ों को जगत कहते हैं। नाम रूप की ही उत्पत्ति होती है, सच्चिदानंद सिंधु की नहीं। इस प्रकार से श्वेत केतु को उद्दालक ऋषि ने कहा, देखो उस सत्य से सबसे पहले अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी भई, ये तीन तत्व बताया, और इन तीनों से अखिलम जगत सारा संसार उत्पन्न हो गया। इसलिए सारा संसार तीन तत्वों में मिल जाता है अंत में, और वो तीनों तत्व अग्नि जल पृथ्वी वो सत्य ब्रह्म से उत्पन्न भए, उसमें मिल जाते हैं, फिर ब्रह्म सत्य रह जाता है सच्चिदानंद सिंधु। इसलिए देह इंद्रिय मन बुद्धि भी उस सत्य ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अरे अंत में ब्रह्म रूप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तरंगें भी तो अंत में जल रूप हो जाएंगी, और पहले भी जल रूप थी, बीच में ही मिथ्या दिखाई पड़ती है, पर विचार करके ज्ञानी देखते हैं तो बीच में ही जल का दर्शन करते हैं, खाली नाम रूप कल्पित हैं। तो हर नाम रूप में जो जल है वो सत्य, ऐसे हर नाम रूपों में सच्चिदानंद ब्रह्म समाया हुआ है, वही सत्य है, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप तत्त्वमसि श्वेत केतु। हे श्वेत केतु, वही तुम्हारा स्वरूप है। मिथ्या की निवृत्ति सत्य में होती है ना, मिथ्या लहरों की निवृत्ति सत्य जल में होगी, घटमट मिथ्या है इसकी निवृत्ति लय पृथ्वी में होगा, मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी आभूषणों की निवृत्ति सोना में होगी, कार्य की निवृत्ति कारण में ही होती है, कारण से कार्य उत्पन्न होता है, कारण में ही रहता है, फिर कारण में लीन हो जाता है, कारण सत्य है। इसी प्रकार से इस जगत का कारण सच्चिदानंद ब्रह्म है, ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही रहता है, और ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। यतो अइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति तद् ब्रह्म।
जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, फिर जिसमें लीन हो जाता है, वह ब्रह्म है। तत्त्वमसि श्वेत केतु वही तो है, इसलिए ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, अहमे वेदम सर्वम, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यही सत्य का ज्ञान है। जो असत्य है नाम रूप, ये भी सत्य में मिलकर सत्य हो जाता है। तो श्वेत केतु को निमित्त बनाकर जीव मात्र के लिए ये उद्दालक ऋषि ने ज्ञान दिया। ये वेद है, भगवान की वाणी है, परम सत्य है। हमको आपको भी हमेशा यही विचार करना चाहिए। नित्य मुक्त ही है, ब्रह्म से भिन्न कभी भय ही नहीं, जल से तरंगे कभी अलग भय ही नहीं न हो सकती, माटी से घटमट अलग हो सकते भी नहीं, माटी रूप है। यही ज्ञान है। और नाम रूप को सत्य मान लेना ये अज्ञान है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।